आज हम सीखते हैं प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम, अर्थात डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में यदि कोई प्रोनाउन आ जाए जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इनमें क्या परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उनके तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहा जाता है, जैसे बोलने वाले को इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर, और आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अब समझिए आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कैसे होते हैं। जैसे यदि कोई स्पीकर बात कर रहा है, अर्थात बोलने वाला व्यक्ति बात कर रहा है, तो जब भी वह अपने बारे में कुछ कहेगा तो उसे आई या बी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसे वह कहे कल मैंने ताजमहल देखा, तो मैंने जो शब्द आया तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, आई। कल हम कानपुर गए, तो हम जो शब्द आया है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, वी। तो आई और बी का उसका उसे प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहते हैं और आई बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। क्लियर। सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर, सुनने वाला। जब भी कोई स्पीकर कुछ बोल रहा होता है तो सामने जो व्यक्ति होता है, जो उसकी बात को सुन रहा होता है, वो क्या होता है, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, लिसनर को। और जब जो यू होता है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। जब भी क्यों होता है वो जान लीजिए, जब भी कोई स्पीकर किसी लिसनर के बारे में कुछ जानना चाहेगा, अर्थात जो व्यक्ति बात कर रहा है वो अपने सामने जो उसकी बात सुन रहा है उसके बारे में कुछ पूछना चाहेगा, तो हमेशा ही यू प्रोनाउन का प्रयोग उसे करना ही पड़ेगा। जैसे तुम कल कहाँ थे, तो जो शब्द आया तुम, तो ये क्या है, तुम का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है यू। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया कि सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, लिसनर को क्यों कहते हैं, वो भी समझ में आ गया। ठीक है, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो जो देखो ये होता क्या, थर्ड पर्सन के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई कथा या भागवत चल रही है, तो वहाँ पे जो स्पीकर है, बोलने वाला व्यक्ति है, अर्थात कथावाचक है, तो वो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वो बोल रहा है, वो कथा सुना रहा है। ठीक है, और जो सामने बैठे सुन रहे हैं वो दर्शक, वो क्या है, सेकंड पर्सन है। और जिनके बारे में कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, जैसे राम, श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण भगवान के बारे में, और भी बहुत से देवी देवताओं के बारे में, तो वो क्या है, सभी थर्ड पर्सन है, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। और जब भी वह इनका जिक्र करेगा, इनके बारे में कुछ कहेगा, तो उसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग करने ही पड़ेंगे। जैसे राम के बारे में कुछ कह रहा है, तो जब वह नाम लेगा राम, तब तो वह नाउन है, और जब इनके स्थान पर उसे कोई प्रोनाउन प्रयोग करना होगा तो उसे ही का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई स्त्रीलिंग का प्रोनाउन है तो उसे सी का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी वस्तु के लिए इट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, और इन सब का बहुवचन क्या होता है, दे। क्लियर। तो अब इसी प्रकार से हमारा जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसमें भी क्या होता है, एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। इसमें कहने वाला कौन है, ही, और किससे कह रहा है, मुझसे। तो ही सब्जेक्ट है, अर्थात स्पीकर है, और जो मी है वो लिसनर है। क्लियर। तो हमें यहाँ पर भी हमें एक स्पीकर और एक लिसनर मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इनवर्टेड कॉमा के अंदर आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन क्योंकि स्पीकर से कहा, स्पीकर को कहते हैं, तो स्पीकर के अनुसार बदल देंगे। और यदि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं, जैसे इस सेंटेंस में आए हैं यू और योर, तो ये सेकंड पर्सन लिसनर को कहते हैं, तो यहाँ लिसनर होता है, लिसनर के अनुसार बदल देंगे। और चूंकि हमारे सेंटेंस में केवल स्पीकर और लिसनर दो ही होते हैं और तीसरे की कोई बात ही नहीं है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा
अनचेंज ही रहते हैं, जैसे थर्ड पर्सन का ही आया है और यहाँ पे हिज आया है, तो ये हमेशा अनचेंज ही रहेंगे। क्लियर? अब हमें एक बात और समझनी होगी कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनकी चार चार केज होते हैं। केज का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, हर प्रोनाउन के चार रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं चार। तो जो हमारे फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है आई और बी, इनके रूप देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है आई और बी, तो आई का जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, देखो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाला। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें भी क्या सब्जेक्ट की जगह होती है, ऑब्जेक्ट की जगह होती है। ठीक है, तो जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या किस कौन से रूप में होता है, सब्जेक्टिव में। अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे आई बी यू ही सी इट दे, इनमें से कोई प्रयोग कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट जैसे इस ये जो सेंटेंस है हमारा, आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई। अब आई सब्जेक्टिव केज में है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने आई का ही कोई रूप लगा दिया मी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केज का प्रोनाउन नहीं लगा सकते, और ना ही सब्जेक्ट के स्थान पर पॉजिटिव केज फर्स्ट का प्रोनाउन लगा सकते हैं, ना ही पॉजिटिव केज सेकेंड का प्रोनाउन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस में हर प्रोनाउन की जो प्रोनाउन का जो स्थान होता है वो उसका विशेष स्थान होता है, और वहाँ पे हम उसका रूप प्रोनाउन का रूप बदलना संभव नहीं होता। अगर बदल देंगे तो सेंटेंस पूरा ही डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसमें देखो हमें प्रोनाउन के तीन पर्सन के साथ साथ हमें क्या याद रखना है, चारों रूप याद रखने हैं, प्रोनाउन के चारों फॉर्म याद रखने हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केज फर्स्ट पॉजिटिव केज सेकंड। जैसे आई का होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव केज फर्स्ट माई और पॉजिटिव केज सेकंड माइन। वी का अस अवर अवर्स, यू का यू यू योर योर्स, ही का हिम हिज हिज, शी का शी हर हर हर्स, इट का इट इट इट्स इट्स, और दे का दे देम देयर देयर्स। ये क्या होते हैं, हर प्रोनाउन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। अब देखो पॉजिटिव केज फर्स्ट और पॉजिटिव केज सेकंड में एक थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। पॉजिटिव केज का पॉजिटिव केज फर्स्ट का जो प्रोनाउन आएगा इनमें से चाहे कोई भी आए, ठीक है, पॉजिटिव केज फर्स्ट का जब भी प्रोनाउन आएगा तो अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेकर ही आएगा। पॉजिटिव केज का प्रयोग किया क्यों जाता है, पॉजिटिव केज का प्रयोग किया जाता है इसका अधिकार दर्शाने के लिए, किसी वस्तु पर अपना अधिकार दर्शाने के लिए। ठीक है, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज माई बुक, यहाँ पे पॉजिटिव केज का प्रोनाउन आया माई, और किस पे बुक है, वस्तु जिस पे वो अपना अधिकार दर्शा रहा है कि दिस इज माई बुक, ये किताब, ये मेरी किताब है। ठीक है, अब अधिकार दो तरीके से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, कैसे, एक पॉजिटिव केज फर्स्ट के प्रोनाउन का प्रयोग करके, एक पॉजिटिव केज सेकंड के प्रोनाउन का प्रयोग करके। जैसे इसी बात को हम पॉजिटिव केज सेकंड का प्रयोग करके कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, दिस बुक इज माइन, दिस बुक ये किताब इज है माइन, मेरी। अब यहाँ पे ठीक है, दोनों का जो सेंस है वो कैसा है, सेम ही है, दोनों में किताब पर ही अधिकार दर्शाया जा रहा है। अंतर क्या है, पॉजिटिव केज फर्स्ट का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन, जिस नाउन पर अधिकार दर्शाया जाता है वो साथ ही आएगा, जैसे माई बुक, माई ब्रदर, माई फादर, ठीक है, माई हाउस। और जो पॉजिटिव केज सेकंड का प्रोनाउन होता है वो क्या आता है, हमेशा अकेला आता है, और जिस नाउन पर अपना अधिकार दर्शाएगा वो नाउन सेंटेंस में पहले ही आ चुका होता है। जैसे दिस बुक, बुक पहले ही आ चुका और जो प्रोनाउन आया वो अकेला ही आया। ठीक है, ये अंतर होता है पॉजिटिव केज फर्स्ट और पॉजिटिव केज सेकंड के प्रोनाउन में। क्लियर, तो पॉजिटिव केज फर्स्ट की जगह पर हम पॉजिटिव केज सेकंड का प्रयोग नहीं कर सकते, और पॉजिटिव केज सेकंड के स्थान पर हम फर्स्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर माई के स्थान पर माई लगा देंगे तो भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, और माइन की जगह पर माई लगा देंगे तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, जहाँ पे जिस केज का प्रोनाउन आया है वहाँ पे उसी केज का प्रोनाउन लगाया जा सकता है, अगर केज बदल दिया तो सेंटेंस गलत। क्लियर, ओके, अब देखते हैं इनको बदला कैसे जाता है। देखो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में एक स्पीकर, एक लिसनर, ठीक है, और ऐसे
ऐसे ही जो हमारे इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो प्रोनाउन आए हैं, यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं, जैसे इसमें आई आया है, माई आया, दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं, और जब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? स्पीकर को। तो बस स्पीकर के अनुसार बदल दो। स्पीकर कहाँ आता है? सेट से पहले। तो यहाँ पे क्या है? ही। तो कहने का मतलब यहाँ पे ही के ही फॉर्म लग जाएंगे, मगर हमें करना क्या है, यहाँ सब्जेक्टिव केज है आई, तो यहाँ पे ही का सब्जेक्टिव केज लगेगा ही, और यहाँ पॉजिटिव केज फर्स्ट है, तो यहाँ पे ही का पॉजिटिव केज फर्स्ट लग जाएगा हिज। क्या होता है ही का पॉजिटिव केज फर्स्ट? हिज। इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने इसे चेंज किया, क्या हो गया? ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही रेड हिज बुक। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, और रीड को स्पेलिंग सेम रहती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है। तो ही यहाँ पे आई ही हो गया, वो तो आपको पता ही चल गया किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, स्पीकर के अनुसार ही बदल के ही हो गया, और माई स्पीकर ही के अनुसार ही का यहाँ पे पॉजिटिव केज फर्स्ट लग गया हिज, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे शी होता तब क्या होता? तब आई, सीधी सीधी बात है, आई के स्थान पे सी हो जाता और माई के स्थान पर सी का पॉजिटिव केज हर हो जाता। क्लियर? ओके। अब देखते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं। जैसे हमारे इस सेंटेंस में दिए हैं, ही सेड टू मी यू डिड योर वर्क, तो इसमें दो प्रोनाउन आए हैं, एक यू और एक योर, दोनों ही सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? लिसनर को। और लिसनर के स्थान पे क्या आया है? मी। तो बस मी के रूप यहाँ पे लगने वाले हैं, मी के फॉर्म लगने वाले हैं। अब यहाँ पे वो बात अलग है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है के स्थान पे है ये यू, तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट आई लग जाएगा, और ये पॉजिटिव केज फर्स्ट है, तो माई का पॉजिटिव, मी का पॉजिटिव केज फर्स्ट माई लगा दीजिए, बस हो गया। तो कैसे चेंज किया है? ही सेड टू को कैसे बदल देंगे? टोल्ड में मी, और कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पे आ जाएगा दैट, और यू मी के अनुसार क्या हो गया? आई, ठीक है। यू अगर ही के अनुसार बदल दिया, स्पीकर के अनुसार बदल दिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं, तो हमेशा लिसनर के अनुसार ही बदलेंगे। डिड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिड आया है मैन वर्ब के रूप में, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है डू की, डिड, और सेकंड फॉर्म आ जाए तो पहले हेड लगाते हैं और डू की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं डन, और योर माई हो गया, और वर्क वर्क, ठीक है। यू टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई वर्क। अब देखते हैं एक बार थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, तो ये बात क्लियर से समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन स्पीकर के अनुसार बदल दो, क्योंकि फर्स्ट पर्सन स्पीकर को ही कहा जाता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन लिसनर के अनुसार बदल दो, क्योंकि सेकंड पर्सन लिसनर को ही कहा जाता है। मगर बदलते पे हमें इतनी बात याद रखनी है कि जिस केज का प्रोनाउन हमारे आया है, तो हम लिसनर या स्पीकर का वही केज लगाएंगे, ठीक है, जिस केज में हमारा प्रोनाउन है। क्लियर? ओके। अगला है शी सेड टू मी ही कुक्स हिज फूड। शी सेड टू मी, अब यहाँ पे आप देखेंगे इनवर्टेड कॉमाज के अंदर दो प्रोनाउन आए हैं, ही और हिज, दोनों ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है। और थर्ड पर्सन, क्योंकि हमारे सेंटेंस में तो केवल एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, ठीक है। स्पीकर के अनुसार फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदल जाते हैं, और लिसनर के अनुसार सेकंड पर्सन के। थर्ड पर्सन के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमें बदलने ही नहीं हैं। अब अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अगर आपने ज़बरदस्ती बदल दिए, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ही आया है और आपने सी के अनुसार शी कर दिया, तो भी गलत हो जाएगा, और यहाँ लिसनर के अनुसार मी के अनुसार यहाँ पे आई कर दिया, तो भी गलत हो जाएगा। ओके। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं ही सी इट दे, इनको कोई परिवर्तन नहीं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इनके चारों फॉर्म भी होते हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना, सेम ही चार चार फॉर्म होते हैं, वो भी सेम ही रहेंगे। तो शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट की, और ही का ही रहेगा, बस ही का एच स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक नया सेंटेंस शुरू होता है, तो एच कैपिटल लेटर में, और जब दोनों यहाँ पे कंजक्शन दैट लग जाता है, तो दोनों पार्ट मिलके एक हो जाते हैं, इसीलिए एच का ही क्या हो गया? स्मॉल। यहाँ पे केवल आई लिखना पड़ रहा हो तो कैपिटल लेटर में रहेगा, या कोई प्रोनाउन, वो प्रॉपर नाउन लिखना पड़ रहा है, तब लिख कैपिटल लेटर में रहेगा। कुक्स वर्ब में कि फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जुड़ के आए, क्या कर देते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, ठीक है।
जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे हिज, हमारा हिज ही रहेगा 4-4। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस के प्रोनाउन को बदल सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे यदि हमारा हमारा जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तब सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।